सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। भगत सिंह ने पहले ही ये चेताया था हमें कि अगर हम अपनी आज़ादी का एक सच्चा, एक ईमानदारी से, एक समतामूलक समाज के प्रति एक आज़ाद भारत का सपना नहीं देखेंगे तो सिर्फ यही होगा कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज उनकी जगह आ जाएंगे। जब बम भी वो असेंबली में फेंकते हैं तो ऐसी एक जगह चुनते हैं बम फेंकने के लिए जहां पर कोई थे नहीं। उस वक्त दो ऐसे कानून आए थे जो आज लगभग आजाद भारत में पहली बार बिल्कुल ज्यों के त्यों वैसे ही कानून वापस आ चुके हैं। वो कौन से कानून थे? पब्लिक सिक्योरिटी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। शहीद आजम भगत सिंह को जो 23 साल की उम्र में अपनी शहादत उन्होंने दी थी, लेकिन वो जो तब बोलकर गए थे, जो उनको डर था हिंदुस्तान किस दिशा में, आज़ाद हिंदुस्तान किस दिशा में जा सकता है, आज पूरी तरह से उनका डर, उनका खौफ सच साबित हो रहा है। जब किसान 13 महीने के लिए सड़कों पर बैठते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर तो उनको बोला जाता है ये देशद्रोही हैं। अंग्रेजों ने आकर हमारे सारे संसाधनों पर कब्जा किया था, वही आज बड़े पूंजीपति भी कर रहे हैं सारे संसाधनों पर, पानी और हवा तक नहीं छोड़ी इन लोगों ने। सभी साथियों को आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। आज जो अशोक जी ने बात रखी है उसको मुझे लगता है बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी तब उनके छोटे भाई उनसे जेल में मिलने गए थे और बहुत भावुक हुए, बहुत रोए, और भगत सिंह ने उनको बाद में एक खत लिखा और वो खत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लिखते हैं कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। भगत सिंह के ख्यालों को उन्होंने कहा कि मेरे ख्यालों को ज़िंदा रखना है और वो ज़िंदा रहेंगे, ये तो शरीर है, रहे रहे ना रहे। और मैं अपने शरीर के लिए नहीं बल्कि अपने ख्यालों के लिए लोगों के बीच में, अपने काम के लिए लोगों के बीच में जाना चाहूँगा। और आज मुझे लगता है आज के दौर में खास करके जो डर था शहीद आजम भगत सिंह को, जो 23 साल की उम्र में अपनी शहादत उन्होंने दी थी, लेकिन वो जो तब बोलकर गए थे, जो उनको डर था हिंदुस्तान किस दिशा में, आज़ाद हिंदुस्तान किस दिशा में जा सकता है, आज पूरी तरह से उनका डर, उनका खौफ सच साबित हो रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज के दौर में आज़ाद हिंदुस्तान में शायद कभी भी भगत सिंह के उन ख्यालों को याद करने की, वैसे तो हमेशा उनके ख्यालों को याद करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आज के दौर में उन ख्यालों को याद करना जितना ज़रूरी है, मेरे ख्याल से इतिहास में, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना ज़रूरी कभी नहीं रहा है। क्या भगत सिंह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे अशोक जी ने कहा कि हाँ एक आज़ाद भारत के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी? बिल्कुल लड़ी, लेकिन क्या सिर्फ एक आज़ाद भारत की लड़ाई थी या एक किस्म के आज़ाद भारत की लड़ाई थी? किस तरह का भारत वो चाहते थे? इसको अगर हमें समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब भगत सिंह असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं, अक्सर हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग भगत सिंह को सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी, एक अतिवादी की तरह पेश करते हैं कि उन्होंने सॉन्डर्स को गोली चलाई, उन्होंने असेंबली में बम फेंका। असेंबली में भी जब उन्होंने बम फेंका, आप याद रखें, जब गोली भी चलाई थी उन्होंने सॉन्डर्स पे, तो तब ये बहुत सोच समझ के कदम लिया गया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ बंदूक का ही रास्ता है आज़ादी के लिए या एक समतामूलक समाज बनाने के लिए बंदूक उठानी पड़ेगी। बहुत आखिरी कदम था जब उनको लगा था कि और कोई कदम नहीं बचा है। जब बम भी वो असेंबली में फेंकते हैं तो ऐसी एक जगह चुनते हैं बम फेंकने के लिए जहां पर कोई थे नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस मुद्दे के लिए वो बम फेंक रहे हैं उससे ध्यान भटके और बल्कि इस चीज़ पर ध्यान जाए कि भगत सिंह ने कुछ लोगों को, बटुकेश्वर दत्त जो उनके साथी थे, उनके कॉमरेड थे, उनके साथ जो असेंबली में गए थे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो बम फेंका उससे लोग कुछ मर गए, कुछ अंग्रेज मर गए असेंबली में, उस पर ध्यान जाए। नहीं, उनका मकसद था, उस वक्त दो ऐसे कानून आए थे जो आज लगभग आजाद भारत में पहली बार बिल्कुल ज्यों के त्यों वैसे ही कानून वापस आ चुके हैं। वो कौन से कानून थे? पब्लिक सिक्योरिटी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये क्या कानून थे इनको समझना पड़ेगा। पब्लिक सिक्योरिटी बिल, जिसका मतलब कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है, कोई भी अपनी आवाज, कोई भी मजलूम, कोई मजदूर, कोई किसान, कोई महिला, कोई भी अगर
सरकार की जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उसको देश के लिए खतरा घोषित करके उसको जेल डाल दिया जाएगा। आज भी हम यही देख रहे हैं, जब किसान 13 महीने के लिए सड़कों पर बैठते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, तो उनको बोला जाता है ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये आंदोलनजीवी हैं। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे दूसरा जो बिल था, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल, इसको जो समझने की ज़रूरत है कि कहीं भी मजदूर अगर हड़ताल करेगा, कहीं भी मजदूर अपनी वेतन के लिए, अपने काम करने के लिए जो हालात हैं, जो काम करने के हालात हैं उसकी सुधार के लिए मांग करेगा, उसके लिए अगर कुछ भी कभी भी वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, अगर वो हड़ताल करेंगे, तो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के तहत उनको उसी वक्त जेल में डाला जा सकता है, कोई ट्रायल नहीं। पब्लिक सिक्योरिटीज बिल में भी कोई ट्रायल नहीं, कोई ट्रायल नहीं, आप दोषी साबित भी नहीं हुए हैं लेकिन आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से आज आप देखेंगे हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जो आज जेल में हैं, जो मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, उनको कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर, कभी देशद्रोही बोलकर, न जाने क्या क्या बोलकर, आज वो पता नहीं कितने महीनों से जेल में पड़े हुए हैं। भगत सिंह ने जो यहाँ पर बोला था अभी साथी ने थोड़ी देर पहले, भगत सिंह ने पहले ही ये चेताया था हमें कि अगर हम अपनी आज़ादी का एक सच्चा, एक ईमानदारी से, एक समतामूलक समाज के प्रति एक आज़ाद भारत का सपना नहीं देखेंगे तो सिर्फ यही होगा कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज उनकी जगह आ जाएंगे। इससे इनका मतलब क्या था? भगत सिंह एक समाजवादी देश चाहते थे, एक ऐसा देश जिसके कमान, जिसको चलाने की कमान उसके किसान, उसके मजदूरों के हाथ में हो, ना कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में हो। और आज आप देखेंगे लगभग वही हो रहा है हर जगह। जो ये कृषि कानून जिसके खिलाफ 13 महीने का आंदोलन हुआ था वो क्या था? हर जगह पूरी तरह से इस देश के व्यापार को, इस देश के छोटे से छोटे बिजनेस व्यापार को लेकर, इस देश की बड़ी बड़ी जो हमारी संपत्तियां हैं, चाहे हमारी फैक्ट्रियां हैं, चाहे हमारी मिलें हैं, चाहे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे हमारी नदियां हैं, चाहे हमारे कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारी खेती है, सब कुछ आज के दौर में कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है। अदानी अंबानी इनके नाम भी लिए जाते हैं हर जगह आजकल, और ये सिर्फ अदानी अंबानी तक सीमित नहीं है, ये दुनिया भर के बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं इन सब का एक गठजोड़ है। भगत सिंह ने यही कहा था, जो वो मार्क्सवाद जिनसे वो प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स जिनसे वो प्रभावित थे, उनके बारे में जो उन्होंने जो एक बात कही थी कि दुनिया के मजदूरों एक हो, आपके पास खोने के लिए अगर कुछ है तो सिर्फ अपनी गुलामी। लेकिन आज के दौर में हम क्या देख रहे हैं कि दुनिया के सारे बड़े पूंजीपति एक हो रहे हैं और मजदूरों को, किसानों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हमें यहाँ बांटा जा रहा है। ठीक इन्हीं बातों पर भगत सिंह ने तब 1927, 1928, 1929 बहुत इस पर लेख लिखे थे, जब जेल में भी बैठे थे इस पर बहुत लेख लिखे थे कि कैसे यहाँ पर पूंजीपतियों का राज बना रहे, मजदूरों पर शोषण हो, किसानों पर शोषण हो, महिलाओं पर शोषण हो, दलितों पर शोषण हो, अल्पसंख्यकों पर शोषण हो, कैसे ये हम व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। उस व्यवस्था को बनाए रखने का सिर्फ एक तरीका है कि यहाँ पर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बार बार बांटा जाए। हम यहाँ पर थोड़ी सी दूर अगर हम देखें, 2013 में यही हुआ था, यहाँ आपके पास में ही, सहारनपुर से ज़्यादा दूर नहीं, मुजफ्फरनगर और शामली ज़िले में, जहाँ पर 2013 में किसानों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटा गया। इतनी मजबूत जो किसान यूनियन थी उसको हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटा गया, इतना बड़ा दंगा हुआ, हज़ारों लोग बेघर हुए, हज़ारों लोग, कई सौ लोगों को मारा गया, कई हज़ार लोगों के घर जलाए गए, कई हज़ार लोग राहत शिविरों में रहने के लिए काफ़ी महीनों तक मजबूर हुए। लेकिन जो शहीद आज़म भगत सिंह बोलकर गए थे, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, इस सब के बावजूद भी वो भगत सिंह के इन ख्यालों को नहीं ख़त्म कर पाए। और वही हमने देखा कि जहां 2013 में किसानों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा गया था, लेकिन वहीं 2020 और 21 में वही किसान फिर से अपने धर्म और जो भी बीच में फासले आए थे उनको भूलते हुए, माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे से और माफ़ करते हुए एक दूसरे को, फिर से वो सारे किसान आए एक साथ और फिर से उन्होंने इस साम्राज्यवादी, इस फाशीवादी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी।
ये अगर हम समझेंगे और वही अगर आज हम देखेंगे जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था वो क्या था, जैसे मैंने बताया कि किसान मजदूरों के लगभग सारे अधिकार छीने जा रहे थे, जो बहुत सालों से बहुत सदियों से मजदूरों के संघर्ष थे, जिसके बाद ये कहा गया था कि आठ घंटे की ड्यूटी ही होगी दिन में, ताकि वो मजदूर वापस जाके आराम भी कर सके, अपने परिवार को भी समय दे सके, अपनी मर्जी के और भी काम कर सके। 8 घंटे की ड्यूटी होगी दिन में, उसी के साथ साथ उसका एक न्यूनतम वेतन होंगे मजदूर के, काम करने के जो हालात हैं उस पर ध्यान रखा जाएगा ताकि स्वास्थ्य पर गलत असर ना पड़े मजदूर के। आज ये सारे कानून आप याद करिए, 3 साल पहले जब कोरोना में लाखों लाखों किसान पैदल अपने घरों तक जा रहे थे, कोई बस की सुविधा नहीं की गई थी, कभी उनके ट्रेन की सुविधा नहीं की गई थी, जिस बस की सुविधा की गई उसके टिकट के पैसे लिए गए उनके कोरोना के दौरान उनसे। लेकिन बार बार इन्हीं मजदूरों को यही एहसास दिलाया जाएगा, आप तो हिंदू हैं, आपका दुश्मन पूंजीपति नहीं, आपका दुश्मन तो मुसलमान है, आप मुसलमान हैं, आपका दुश्मन पूंजीपति नहीं, आपका दुश्मन हिंदू है। ये सरकार जब वहां पर लाखों हिंदू मुस्लिम मजदूर एक साथ जब चल के आ रहे होते हैं, तब उनको नहीं याद आता है कि अरे ये तो हिंदू हैं, इनकी मदद की जाए, नहीं, तब ये एक बोझ बन जाते हैं सरकार पर। और उस दौर में जब सबसे ज्यादा वल्नरेबल, जब सबसे ज्यादा एक इतनी बदतर हालात में हमारे देश के मजदूर आ रहे थे, तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग सारे मजदूर कानून, जो मजदूरों की रक्षा के लिए जो कानून थे, वो लगभग सारे मजदूर कानून हटा दिए थे। लेकिन उस पर अभी तक, जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था, अभी तक इतना बड़ा हम मजदूर आंदोलन नहीं देख पाए हैं, क्योंकि मजदूरों की स्थितियां, अगर हम याद करें जो भगत सिंह ने कहा था कि अगर पूंजीपतियों के हाथ में हम सब कुछ दे देंगे तो मजदूर शायद आवाज़ उठाने की स्थिति में भी नहीं रहेगा, विरोध करना तो बहुत दूर की बात है, संगठित होना तो और भी मुश्किल बात है। एक समय था आपके सहारनपुर में भी, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, जब यहाँ बड़ी बड़ी यूनियन हुआ करती थी मजदूरों की, लेकिन 1991 में जो जिस तरह की आर्थिक नीतियाँ इस देश में लाए गए, जब बाज़ार खोल दिया गया, और बाज़ार खोलने के पीछे जो सबसे बड़ी जो कंडीशन थी, बड़ी बड़ी ये जो विश्व की ये जो संस्थाएं हैं, चाहे वो विश्व बैंक हो, वर्ल्ड बैंक, IMF, उनकी सबसे बड़ी क्या कंडीशंस थी कि आप मजदूरों के जो कानून हैं उनको थोड़ा सा, उनको धीरे 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 करके मजदूरों के इन कानूनों को हमें कमज़ोर करना है, तभी यहाँ पर आके लोग अपना व्यापार करेंगे। क्यों? क्या व्यापारी, क्या पूंजीपति मजदूरों के श्रम से अपना नहीं मुनाफा कमा रहा है? क्या उस श्रम के, उस मुनाफे में मजदूरों का हाथ नहीं है? बिल्कुल है। यही साम्राज्यवाद जिससे भगत सिंह लड़ना चाहते थे। आज ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी ताकत आकर हम पर फिर से, हो सकता है अंग्रेज या अमरीकी या कोई विदेशी ताकत हम पर आके कब्जा कर ले। कब्जा आज दूसरे तरीके से किया जाता है, एक नया किस्म का साम्राज्यवाद बना है, जहां पर बड़ी बड़ी ये बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशंस जो हैं, बड़ी बड़ी ये जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े ये जो इतने बड़े पूंजीपति हैं, वो आके एक नए तरीके से हम पर एक राज कर रहे हैं, एक नया किस्म का साम्राज्यवाद है। अंग्रेजों ने आकर हमारे सारे संसाधनों पर कब्जा किया था, वही आज बड़े पूंजीपति भी कर रहे हैं, सारे संसाधनों पर, इंसान के श्रम पर, इंसान की खेती पर, हमारे सारे प्राकृतिक संसाधनों पर। यहाँ तक कि आज आप देखेंगे ऐसा इतना मुश्किल नहीं है ये करना। पीने का पानी अगर स्वच्छ चाहिए तो उसके लिए भी आपको, पीने का पानी जो हमारा एक अधिकार है इंसान का, उसके लिए भी आपको आज एक 20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है अगर स्वच्छ पानी पीना है, नहीं तो कौन सी बीमारी कब हो जाएगी उसका कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि पानी, हमारी आबो हवा अगर आप देखेंगे, रोज हर साल क्या स्थितियाँ हो रही है। आज साफ हवा लेने के लिए भी आपको, हो सकता है कोई ऑक्सीजन बार आजकल बनने लग गए हैं, साफ हवा भी अगर लेनी है तो उस ऑक्सीजन बाहर में जाइए ताकि आपको साफ हवा मिल पाए। पानी और हवा तक नहीं छोड़ी इन लोगों ने, बाकी चीज़ें तो हम भूल ही जाएं। इस किस्म का जो साम्राज्यवाद है, इससे लड़ना है तो मुझे लगता है आज भगत सिंह के इन विचारों को हमको फिर से याद करने की ज़रूरत है। शहीद आज़म भगत सिंह के उन्हीं विचारों को दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने तक वही जो नारे गूंजे थे, वही जो बातें हुई थी, वही आज हर स्तर पर जो भी शोषित तबके हैं, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वही भगत सिंह के उन्हीं नारों को, भगत सिंह की उसी सोच को, उसी ख्याल को फिर से एक किस्म से जिंदा करने की ज़रूरत है। तभी सही मायने में जो भगत सिंह जी का सपना था कि
क्या जब उनकी संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उन्होंने नाम बदल के किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, समाजवादी से मेरा मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है, लेकिन समाजवादी, एक समाजवादी देश बनाना जहां पर, जैसे मैंने पहले कहा, इस देश की हुकूमत, इस देश का जो चाल चलन होगा वो इस देश के किसान और मजदूरों में होगा, ना कि पूंजीपतियों के हाथ में होगा। उस सपने को जब हम सही सायने में साकार करेंगे, मुझे लगता है तभी भगत सिंह की शहादत को हम सही मायने में हम सलाम कर पाएंगे, उनको फिर से उस शहादत को मुझे लगता है हम सही मायने में एक ट्रिब्यूट दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नकुल जी।